गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम EBS का चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। हम अपना चैप्टर 8 पढ़ चुके हैं। आई होप आप सभी बच्चों को वो चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ चैप्टर 9 इज आर फूड, हमारा भोजन। ठीक है, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस बार भी हम चैप्टर को पिक्चर्स के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए और चैप्टर पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आए। ओके, तो आप सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लीजिए और हम फिर चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सभी ने बुक ओपन कर ली तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या है? फूड इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। जो खाना है वो हमारी जो भी मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, जैसे पानी, कपड़े, जिनके बिना हम रह नहीं सकते, तो खाना भी उन्हीं में से एक है। वी नीड फूड टू गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। हमें खाने की क्यों ज़रूरत होती है? हम खाना क्यों खाते हैं? हम खाना एनर्जी के लिए, काम करने के लिए, खेलने के लिए, ताकि हम खेल सकें, हमारे पास एनर्जी हो, और काम करने के लिए हम भोजन की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, वी नीड फूड टू ग्रो स्ट्रॉन्ग, और मजबूत बनने के लिए भी, हमें मजबूत बनने के लिए भी फूड की खाने की ज़रूरत होती है। फूड हेल्प्स अस टू बी हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिसीजेस। और जो भोजन होता है वो हमें स्वस्थ रखता है, और जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होती है। जब हम स्वस्थ होंगे तो कोई भी बीमारी आएगी, हमारे इम्यून सिस्टम से लड़ेगी, और जब हमारा इम्यून सिस्टम ताकतवर होगा, स्ट्रांग होगा, हेल्दी होगा, तो वो उस बीमारी से, उस डिसीज से लड़ लेगा और उसको हरा देगा। तो क्या होता है, भोजन की हमें किस किस लिए ज़रूरत होती है? टू गेट एनर्जी, टू वर्क एंड टू प्ले। ओके, अब देखिए, खाना हमें पौधों से भी मिलता है और जानवरों से भी मिलता है। जो खाना होता है वो हमें पौधे भी देते हैं और जानवर भी देते हैं। हम बहुत सारे पौधे के जो पार्ट्स हैं, स्टेम है, रूट्स है, उनको खाने के रूप में खाते हैं। ठीक है, बहुत मतलब हमारे प्लांट्स के बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जिसको हम एज अ फूड खा सकते हैं। और एनिमल्स से भी हमें फूड मिलता है, एनिमल से भी मिलता है और प्लांट से भी मिलता है। तो चलिए आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? फूड फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से भोजन। मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी ईट कम फ्रॉम प्लांट्स। ज़्यादातर खाना जो भी हम खाते हैं वो कहाँ से आता है? पौधों से आता है। ज़्यादातर खाना जो भी हम खाते हैं वो पौधों से आता है। सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, ऑयल एक्सेट्रा आर ऑल ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो हमें क्या क्या मिलता है? अनाज हैं, दालें हैं, खाना फ्रूट्स हैं, फल हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, मसाले हैं, तेल हैं, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? पौधे से। कहाँ से मिलती हैं? पौधे से। वी ऑल्सो गेट beverages लाइक टी एंड कॉफ़ी फ्रॉम द प्लांट्स। और हम beverages मीन्स पेय पदार्थ भी, जैसे टी है, कॉफ़ी है, जो पीने वाली चीज़ें होती हैं, उनको भी हम प्लांट से ले, मतलब वो भी हमें प्लांट से, पौधों से मिलती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पौधों से पाते हैं, जैसे सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, ऑयल, ऑल दिस थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सीरियल्स एंड पल्सेस। ठीक है, तो सीरियल्स क्या होते हैं? फूड ग्रेन्स लाइक राइस, वीट, ओट्स, मेज एंड मिलेट्स
आर कॉल्ड सीरियल्स। तो गेहूँ है, चावल है, मक्का है, इन सब को हम क्या बोलते हैं, सीरियल्स। क्या बोलते हैं? सीरियल्स, CERELS। ठीक है, और देखिए आप पिक्चर्स में देख सकते हैं ना, ये वीट है, ओट्स, राइस, मिलर्स, बार्ले, राई, तो ये सारे क्या होते हैं, सीरियल्स। क्या होती हैं ये? सीरियल्स। और देखिए पिक्चर्स, ये भी क्या है आपकी, सीरियल्स। क्या है ये? सीरियल्स। ये बीज जैसे जो होते हैं, होते हैं ना, बीज जैसे शेप में होते हैं, तो इन सबको हम सीरियल्स बोलते हैं। ओके, देखिए ये भी क्या है, सब सीरियल्स हैं। क्या है ये? सीरियल्स, CERELS। ओके, आगे बढ़ते हैं। उड़द, ग्राम, अरहर, किडनी बीन्स आर पल्सेस, और ये सब क्या होती हैं? दालें। सब तो आप बच्चों ने अपने घर पर दालें तो देखी होंगी, राजमा है, मटरा है, अरहर की दाल है, उड़द की दाल है, चने हैं। दीज ऑल आर पल्सेस। क्या है ये? पल्सेस। क्या है ये? पल्सेस। देखिए और पिक्चर्स, बहुत सारी दालें होती हैं, देखिए होती है ना बहुत सारी दाल, मसूर की दाल है, मटरा है, छोले हैं, और आपके राजमा हैं, उड़द की दाल है, काली दाल है, चना दाल है, तो ये सारी क्या होती हैं? पल्सेस होती हैं। आगे पढ़ते हैं, सीरियल्स एंड पल्सेस टुगेदर आर कॉल्ड फूड ग्रेन्स। और जब सीरियल्स और पल्सेस को हम एक साथ, अगर हमें दोनों को एक ही नेम से पुकारना है, दोनों को एक साथ बुलाना है, तो हम उसको क्या नेम से बोलते हैं? फूड ग्रेन्स। क्या बोलते हैं? फूड ग्रेन्स। ठीक है, तो जिसमें सारी सीरियल्स और सारी पल्सेस आ जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं फूड ग्रेन्स। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, राइस इज अ स्टेपल फूड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो चावल होते हैं वो हमारे देश के कई बहुत सारे कई हिस्सों में एक मुख्य भोजन माना जाता है। चावलों को मुख्य भोजन के रूप में खाया जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, वीट फ्लोर इज यूज्ड टू मेक चपातीज, ब्रेड एक्सेट्रा। जो वीट फ्लोर्स होते हैं, गेहूं का आटा होता है, वो रोटियां बनाने में और ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जो देखिए आप देखते हैं ना गेहूं के आटे का, आप सब अपने घर पर भी देखते हैं इन सब चीज़ों को, जो गेहूं का आटा होता है उससे क्या बनाई जाती हैं? रोटियां। क्या बनाई जाती हैं? रोटियां। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। सब्जियाँ होती हैं और फल होते हैं, ये सब भी हमें कहाँ से मिलते हैं? पौधों से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? पौधों से। दे आर फुल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर हेल्थ। ये किससे भरे हुए होते हैं? विटामिन्स, मतलब इनके अंदर, इन फलों और सब्जियों के अंदर विटामिन होता है और मिनरल्स होते हैं, और ये हमारी हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस एंड कीप अस हेल्दी। ये हमें किससे बचाते हैं? बीमारियों से बचाते हैं, और जब हमें बीमारियों से बचाएंगे तो हम क्या रहेंगे? हेल्दी। कैसे रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। मैंगो, बनाना, चेरी, ऑरेंज, पाइनएप्पल, पपाया, ग्रेप्स आर सम पॉपुलर फ्रूट्स। और जैसे मैंगो है, आम है, केला है, सेब है, आप बहुत सारे फ्रूट्स के नेम तो आपको पता है ना, चीके में आपने बहुत सारे फ्रूट्स नेम लर्न किए हैं, तो ये सारे फ्रूट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। फ्रूट्स आर ईटन रॉ। हम फलों को कच्चा खा लेते हैं, फलों को कच्चा खा लेते हैं ना, लेकिन सब्जियों को तो हम कच्चा नहीं खा पाते, सब्जियों को हम कच्चा नहीं खाते हैं। We also drink the juices of different fruits। और हम अलग अलग फ्रूट्स के जूसेस को भी पीते हैं, जैसे हम मैंगो का, आम का जूस पीते हैं ना, आप आम का
जूस पीते हैं, और बहुत सारे फल, सारे मोस्टली ऐसे फल होते हैं जिनका जूस बनाकर पिया जाता है। ठीक है, पीस, कैरेट, पोटैटो, टर्निप, एडिश आर सम कॉमन वेजिटेबल्स। और बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जैसे मटर है, गाजर है, मूली है, काशी फल है, पत्ता गोभी है, दीज ऑल आर वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ये भी हमें कहाँ से मिलती हैं, कहाँ से मिलती हैं, ये भी हमें पौधों से। दे आर ईटन रॉ और कुक्ड। हम वेजिटेबल्स को पका कर भी खा सकते हैं और बिना पकाए भी। कुछ वैसे तो मोस्टली जो वेजिटेबल्स होती हैं वो पका कर ही खाई जाती हैं, लेकिन जैसे कुछ है, हम टमाटर को ऐसे खा सकते हैं, प्याज को ऐसे खा सकते हैं, गाजर को भी मोस्टली हम मूली को भी ऐसे खा लेते हैं, कोई हम इसको पकाते तो है नहीं है। तो कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिन्हें हम ऐसी खा लेते हैं, और कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिन्हें हम पका कर ही खाते हैं। ठीक है, देखिए आपको दिखाई दे रही है ना पिक्चर में कितनी सारी वेजिटेबल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, और ये सारी वेजिटेबल्स हमें प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से मिलती हैं। कुछ लीव से मिलती हैं, कुछ स्टेम से मिलती हैं, कुछ रूट से मिलती हैं, तो ये सारी हमें प्लांट से ही मिलती हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑयल सीड्स। क्या है ऑयल सीड्स? तो कुछ ऐसे बीज होते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल बीज होते हैं जिनमें से तेल निकाला जाता है। उन बीजों में से क्या निकाला जाता है? तेल। और फिर हम उस तेल को अपनी कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुकिंग में है, या फिर हमें अपने हेयर में ऑयल डालना है, तो वो भी ऑयल कहाँ से? ऑयल सीड्स से ही बनता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हमारे भारत के अलग अलग हिस्से में कुकिंग के लिए, पकाने के लिए, खाने को बनाने के लिए तरह तरह के तेलों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सरसों का तेल होता है ना, अलग अलग तेलों का इस्तेमाल किया जाता है, नारियल का तेल होता है। ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्पेशल सीड्स कॉल्ड ऑयल सीड्स। जो तेल होता है वो अलग अलग, मतलब स्पेशल सीड्स, एक विशेष प्रकार के बीजों से निकाला जाता है, और उन्हीं हम विशेष प्रकार के बीजों को क्या बोलते हैं? ऑयल सीड्स। क्या बोलते हैं? ऑयल सीड्स। ओके, आगे देखिए। ऑयल सीड्स आर क्रश्ड टू गेट ऑयल। जब हम ऑयल सीड्स को बिल्कुल क्रश कर लेते हैं, बिल्कुल चूरा कर लेते हैं उसका, तो उसमें से तेल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उसको पूरा क्रश कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए किस किस के बीज, किस किस का तेल निकाला जाता है। जैसे मूंगफली का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों के बीज होते हैं ना, मस्टर्ड के बीज होते हैं, और आपका सनफ्लावर का भी होता है। तो आपको पिक्चर में बहुत सारे दिख रहे हैं ना, इन सब के हम, ये जो बीज होते हैं इन सब के हम क्या निकाल सकते हैं? तेल निकाल सकते हैं। ये कौन से बीज हैं, ये कौन से सीड्स हैं? ऑयल सीड्स। क्या है ये? ऑयल सीड्स, बिकॉज इन बीजों से हम तेल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्पाइसेस। स्पाइसेस मीन्स मसाले। अब स्पाइसेस का क्या यूज होता है? स्पाइसेस आर एडेड टू द फूड टू गिव इट फ्लेवर, टेस्ट एंड कलर। हम किसी भी खाने में मसाले क्यों डालते हैं? उसमें स्वाद देने के लिए, उसमें फ्लेवर देने के लिए, और उसमें हम कलर देने के लिए। आपने देखा है हल्दी डालते ही येलो कलर आ जाता है, और जब हम मिर्च डालते हैं तो उसमें स्पाइसी टेस्ट आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मसाले हैं जिसको हम फ्लेवर देने के लिए, टेस्ट देने के लिए, और कलर देने के लिए अपने फूड में डालते हैं। वी गेट स्पाइसेस ऑन फ्लावर्स, स्टेम, फ्रूट्स, बार्क, सीड्स एंड रूट्स ऑफ द प्लांट। और हमें मसाले कहाँ से मिलते हैं? पौधों की जड़ों से, बीजों से, छाल से, फ्रूट्स से, फलों से, स्टेम से, फ्लावर से, इन सारे पार्ट्स से, हम फ्लावर के सारे पार्ट्स से हमें डिफरेंट डिफरेंट मसाले, डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस मिलते हैं। ये क्या है? डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस हैं, बहुत सारे तरह तरह के स्पाइसेस हैं। आगे देखिए।
देखिए ये भी हमारे स्पाइसेस हैं। अब जैसे आपको ये पिक्चर दिख रही होगी तो ये कैसे है, थोड़ा जैसे पेड़ की छाल होती है ना छाल, तो ये उससे मसाले मिले हैं हमें। तो ऐसे हमें बहुत सारे तरह तरह के मसाले मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे तेज पत्ता होता है ना, तेज पत्ता हमें प्लांट्स के पत्तों से, लीव्स से मिलता है, पत्तों से भी मिलता है तेज पत्ता। तो हमें इस तरीके से पौधे के अलग अलग हिस्से से अलग अलग मसाले मिलते हैं। हम बहुत सारे मसाले कहाँ से मिलते हैं हमें, पौधों के अलग अलग हिस्सों से। देखिए कुछ ऐसे मसाले होते हैं जिनको मेडिसिन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कभी आपके घर पर चोट लग जाती है तो मम्मी क्या करती हैं, उस पर हल्दी लगा देती हैं ना, हल्दी लगा देती हैं। या जब आपको सर्दी हो जाती है तो मम्मी क्या करती हैं, काली मिर्च की चाय बनाकर आपको पिलाती है ना। तो काली मिर्च है, हल्दी है, अदरक है, ये कुछ ऐसे मसाले होते हैं जिनको हम मेडिसिन अपनी दवाइयों के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेवरेजेस। बेवरेजेस क्या होते हैं, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज टू मेक ड्रिंक्स। कुछ पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं उनको हम ड्रिंक्स बनाने में, मतलब पीने जैसी चीज़ों बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे चाय है, चाय की भी जो आप चाय की पत्ती आती है ना, तो उसकी भी क्या होती हैं, पत्तियाँ होती हैं। कॉफ़ी के भी क्या होते हैं, कॉफ़ी बीन्स, कॉफ़ी के बीज होते हैं। तो इसी तरीके से हम कुछ पौधों की पत्तियों को ड्रिंक्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इन्हीं ड्रिंक्स को हम क्या बोलते हैं, बेवरेजेस। क्या बोलते हैं, बेवरेजेस, VERAGES, बेवरेजेस, ओके। टी एंड कॉफी आर पॉपुलर बेवरेजेस ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। जो पॉपुलर बेवरेजेस हैं, प्रसिद्ध बेवरेजेस हैं, वो कौन से हैं, टी और कॉफ़ी। जो टी होती है और जो कॉफ़ी होती है वो बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद की जाती है और बहुत सारे लोग उसको पीते हैं, ठीक है। तो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे जर्नी ऑफ फूड, कि किस तरीके से खाना हमारे पास आता है। अब हमारे पास ऐसे तो नहीं आता कि हम जंगल में जाते हैं और पौधे से खाना तोड़ लाते हैं, या हम जंगल में जाते हैं जानवरों से खाना ले आते हैं, नहीं ना। हम रॉ तो खाते नहीं, कच्चा तो खाते नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो हम कल पढ़ेंगे जर्नी ऑफ फूड, खाना की यात्रा, किस तरीके से खाना हमारे पास आता है। आज आपको इतना चैप्टर अच्छे से रीड करना है और सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है। क्या डिफरेंट सीरियल्स के नेम्स, पल्सेस के नेम, ऑयल सीड्स के नेम, स्पाइसेस के नेम, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के नेम्स, तो ये सारे नेम्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है, ओके, बाय बाय।